हेलो डेयर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीके मुन्ना लाल। आज मैं आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में हुज का प्रयोग डिस्कस करने वाला हूं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद को अच्छे से सीख सकें। आइए शुरू करते हैं हुज का प्रयोग। हुज इज अ पजेसिव प्रोनाउन। हुज एक पजेसिव प्रोनाउन है। इट इज यूज टू आस्क हु ओन्स समथिंग। इसका प्रयोग ये पूछने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति का किसी पर क्या अधिकार है। हुज का अर्थ किसका, किसकी, किसके होता है। यदि ये शब्द हिंदी प्रश्नों में आए तो हुज का प्रयोग इंटरोगेटिव पजेसिव प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। सूत्र के रूप में अगर हम देखें तो हुज पहले लिखेंगे, नाउन लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम उदाहरण के तौर पर इसको देखते हैं। पहला उदाहरण है किसका कुत्ता भौंक रहा है। किसका शब्द ये हमें दिखा रहा है कि उसका मालिक कौन है, हु ओन्स द डॉग। तो मालिकपन को दर्शाने के लिए हुज का प्रयोग होता है। किसका कुत्ता भौंक रहा है, हुज डॉग इज बार्किंग। किसकी बहन मधुर गीत गाती है, हुज सिस्टर सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अब हमने ये देखा कि आवश्यकता के अनुसार हमें सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया का प्रयोग इसमें करना है टेंस के अनुसार, वाक्य के अनुसार। आप किसके उपन्यास पढ़ते हैं, हुज नॉवेल्स डू यू रीड। किसका बच्चा रो रहा है, हुज बेबी इज क्राइंग। चेक पर किसके हस्ताक्षर हैं, चेक पर किसके हस्ताक्षर हैं, हुज सिग्नेचर इज ऑन चेक। यह किताब किसकी है, ये पजेसिव प्रोनाउंस के रूप में हम प्रयोग देख रहे हैं इसका। हुज इज दिस बुक, यह नोटबुक किसकी है, हु इज दिस रेड नोटबुक, ये लाल नोटबुक किसकी है, हुज इज दिस रेड नोटबुक। अब हुज का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग देखेंगे। इसका नियम है जब हिंदी वाक्यों के बीच में जिसका, जिसकी, जिसके शब्द आए तो हुज का प्रयोग किया जाता है। यह संज्ञा अर्थात नाउन के समीप रखा जाता है जिसके लिए इसका प्रयोग किया गया हो, जिसके लिए यह आता है उसके समीप रखा जाता है। उदाहरण है, यह वही लड़का है जिसके पिता एक डॉक्टर हैं। दिस इज द बॉय हुज फादर। अब जिसके पिता, ये बॉय के लिए आए तो हुज इसके समीप रखा जाएगा। दिस इज द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर। बच्चा जिसकी साइकिल खो गई बहुत दुखी है। द चाइल्ड हुज साइकिल हैज बीन लॉस्ट। द चाइल्ड हुज साइकिल हैज बीन लॉस्ट इज वेरी सैड। एक महिला जिसके पति मृत हो विधवा कहलाती है। A woman whose husband is dead is called a widow. आशा है डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।